जहां पर एमपी में निकाय उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। 21 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। 11 सितंबर को उपचुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। त्रिस्तरीय पंचायतों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। नगरीय निकायों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 15 सितंबर को सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी। 5,344 पंच, 34 सरपंच और 4 जनपद पंचायत सदस्य के लिए चुनाव। नगरीय निकायों में 13 पार्षदों के लिए मतदान होगा। एमपी में निकाय उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। 21 से 31 अगस्त तक नामांकन होना है। और ये बड़ा अपडेट आपको दे दें भोपाल से, जहां पर एमपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 21 अगस्त से 31 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 11 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। तो निकाय उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भोपाल से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर नगरीय निकायों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं। 15 सितंबर को सुबह 8 बजे से वोट काउंटिंग होगी और 21 अगस्त से 31 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। और इस तरीके से ये जो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान है वो सामने आ चुका है। 11 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं और पंचायतों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। नगरीय निकायों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 15 सितंबर को सुबह 8 बजे से काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। इसका था वाचा।